पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम इज अ फिगर, इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसी भी फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। पैरेललोग्राम वर्ड से ही आपको हिंट मिल जाएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसके एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं बेस इनटू एल्टीट्यूड, जो बेस है उसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रोन है, तो वो बेस और वो एल्टीट्यूड लेकर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 7 बेस है उसके ऊपर 4 एल्टीट्यूड ड्रोन है, तो बेस इज 7 एंड एल्टीट्यूड इज 4, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? बेस इनटू एल्टीट्यूड, दैट इज 7 × 4, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट का ए पार्ट। अगर हम फर्स्ट के बी पार्ट की बात करें तो पैरेललोग्राम की फिगर अगर इस तरह से ड्रोन है, इस बेस के ऊपर ये एल्टीट्यूड ड्रोन है, तो आपको यही बेस लेना है जिसके ऊपर आपका एल्टीट्यूड ड्रोन है अपोजिट वर्टेक्स से। इसमें देखो इस वर्टेक्स से यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रोन था, तो ये बेस और ये एल्टीट्यूड लिया, इसमें इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रोन है, तो ये बेस बन जाएगा और ये एल्टीट्यूड, तो एरिया पैरेललोग्राम हो गया 5 × 4.8, दैट इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हो गई पैरेललोग्राम की बात। सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल्स की फिगर्स गिवन है। ट्रायंगल्स की फिगर्स में भी इसी तरह से ही करना है, बस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो जाता है, ये बेस है तो उसी बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रोन होना चाहिए, तभी वो बेस कंसीडर होगा। अगर उसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रोन है तो, जैसे पैरेललोग्राम में बताया, इसका फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस कितना है 4 और एल्टीट्यूड कितना है 3, तो 2 × 4, 2 × 3 = 6 स्क्वायर सेंटीमीटर करके आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आगे देखो, अब सेकंड के डी पार्ट देखो। सेकंड के डी पार्ट की फिगर किस तरह से बनी हुई है? एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़े एक भी एंगल में इस तरह की फिगर बनती है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। लेकिन जो इसका एल्टीट्यूड है, ये आउटर एरिया आउटर पार्ट पे ड्रॉन है, तो इस तरह से ड्रोन हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड इसी तरह से ड्रोन होता है, तो भी आपने क्या ले लेना है? बेस तो यही है, इसी को एक्सटेंड किया हुआ है, तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इज 3 एंड एल्टीट्यूड इज 2, उसको लेकर और आपने कैलकुलेट कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूनिट की तरफ ध्यान देना, अगर साइड सेंटीमीटर में हो तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, अगर साइड मीटर में हो तो एरिया मीटर स्क्वायर में आता है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक टेबल टाइप दी हुई है, जिसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पुट अप है। जैसे इसका ए पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 246 स्क्वायर सेंटीमीटर इज गिवन, बेस इज गिवन और आपको एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालनी है। तो वही एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस है 20, एल्टीट्यूड निकालना है, एरिया इज गिवन। आपने कैंसिल किया 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0, ये आ गया 10। अब ये मल्टीप्लाइड में इसको डिवाइड में ले जाओ, एक साइड मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड डिवाइड, तो ये आपका 10 है, 10 वाला नंबर है, तो आप 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, आपके यहाँ डेसिमल दे नहीं रखा, यही कंसीडर करोगे, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो ये आ गया 24.6 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, बेस 20 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में ही आएगी। साइड्स जो होती हैं वो सेंटीमीटर में आती है, तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, अगर साइड मीटर में हो तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। अब आगे देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको ए पार्ट बताया, मैं लास्ट पार्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो, बेस दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो वही फार्मूला लगाओगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस की जगह बेस पुट करोगे, एरिया की जगह एरिया पुट करोगे, एल्टीट्यूड निकालना है। अब ये 2 डिवाइड में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में ले जाओगे, और ये 15.6 मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाओगे। कैंसिल, एक बार दोबारा भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या 0 से 0 कैंसिल किया आपने, ठीक है। फिर मैंने 2 की टेबल में कैंसिल किया है, 2 × 7 = 40, 1 × 2 = 16, यहाँ भी 2 की टेबल में किया है, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 1 रह गया, 2 × 9 = 18। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद फिर 2 की टेबल में किया है, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, ये 2 × 2 और ये 2 से कैंसिल किया, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 में किया, 3 × 3 = 3, 3 × 9 और ये 8 × 9 भी 3 से डिजिबल है, 273 आ गया।
बाई टेन आया, 21/10 का मतलब क्या है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पीछे से काउंट करोगे, ये आपकी आ गई आई 2.1 सेंटीमीटर। देखो एक बार कैसे दोबारा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये आपका 16.38 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 15.6 इंटू 100। ये डेसिमल हटाया है, इसका 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 2 जीरो वाला नंबर आया, या डेसिमल हटा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 जीरो वाला नंबर आया। अब देखो कैसे ये कर देना दोबारा, कैसे करते हो, पहले मैंने 2 की टेबल ली है, ठीक है, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, यहाँ 2 पे कैंसिल हुआ, 2 3 6, 2 9 18। उसके बाद 3 की टेबल पे कैंसिल किया, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 7 41, 3 3 9, 13 पे कैंसिल किया, 13 2 26, 1 13 1 13। तो ये आपका 1 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 21/10 बाई 2.1 सेंटीमीटर, आपकी क्या आ गई बेटा हाइट। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में टेबल बनी हुई है और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, और एक बेस के हाइट में से एक चीज दे रखी है, दूसरी मुझे निकालनी है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए इसके डी पार्ट किया है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डेसिमल वाला पार्ट है, एरिया इज गिवन, बेस इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आप 170.5 में 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, पीछे से काउंट होता है, 10 लगा दिया, ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, 11 आया, आप 1705 को 11 से डिवाइड करके देखना, 155 आएगा, 11 1 11 6 रहेगा, 11 5 55 5 रहेंगे, 11 5 55, तो 155/10 बाई 1 डिजिट के बाद डेसिमल पीछे से काउंट करके 15.5 सेंटीमीटर। तो बेटे 4 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, लेकिन इनके ना बहुत सारे पार्ट्स हैं और आगे जो है वो स्टेटमेंट सम है, तो आप ये पार्ट्स वाले सम कंप्लीट करके और सेंड कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करना। ओके, थैंक यू।